How to fix Wi-Fi connection problem in any Realme series। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Wi-Fi कनेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका भी सॉल्यूशंस बताऊंगा, और मैं आपको कुछ यहाँ पर रीजंस बताऊंगा जिसके वजह से आपको वाईफाई कनेक्शंस पे प्रॉब्लम आते हैं। और सारे साथ दोस्तों, वाईफाई अगर ऑन नहीं हो पा रहा है, वाईफाई के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप इस वीडियो को देखें और अपना सॉल्यूशन को मेरा जो यहाँ पर सॉल्यूशन है उसको फॉलो करें और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के वही शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जाके आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक जरूर से कर देना। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं वाईफाई कनेक्शन प्रॉब्लम हम कैसे फिक्स्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम पहले तो कुछ रीजंस जो है वो जान लेते हैं कि किस वजह से हमें प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। अगर वाईफाई कनेक्शंस नहीं हो पा रहे तो आप दोस्तों, जिससे भी आप वाईफाई कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, वो वाईफाई कनेक्शन आपको चेक करना होगा। तो वाईफाई दोस्तों, यहाँ पर चेक करते वक्त आपको क्या चेक करना है, अपना इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। जो भी हॉटस्पॉट आपको दे रहा है उनका इंटरनेट कनेक्शन आपको चेक करना है उनके मोबाइल पे जाके कि उनका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है या नहीं है। अगर उनका इंटरनेट ऑफ रहेगा गलती से भी तो आप वाईफाई यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है, एंड देन उनके हॉटस्पॉट कनेक्शन के अंदर पे जाए, कनेक्शन मैनेजमेंट ओपन करते हुए डेटा रिस्ट्रिक्शन पर जाना है और चेक करना है कि उनका जो डेटा रिस्ट्रिक्शन या फिर डेटा लिमिट है वो सेट है या नहीं है, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्ट या फिर अनलिमिटेड पे सेट होना चाहिए डेटा रिस्ट्रिक्शंस। उसके बाद दोनों मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए, दोबारा से कनेक्ट कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से वाईफाई कनेक्शन प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय एनी चांस अगर आपको यह प्रॉब्लम दोबारा से आते हैं तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, क्योंकि दोस्तों कभी कभी कभार क्या होते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं होने की वजह से कोई फ्यूचर्स वगैरह स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें एंड देन चेक करके देखिए, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों, कभी कभार क्या होता है, आप जिससे भी हॉटस्पॉट कनेक्शन लेते हैं, ठीक है, उनके हॉटस्पॉट में पासवर्ड होते हैं और उस पासवर्ड की वजह से भी इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी कभी स्टॉक हो जाते हैं। और पासवर्ड जब आप उसके फ़ोन से रिमूव करते हैं हॉटस्पॉट का, तब आप रिकनेक्ट करके देख सकते हैं, तो उसके बाद दोस्तों काम कर जाते हैं, ठीक है। तो कई बार दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई डिवाइस में इस तरह का प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं कि जब वो अपने मोबाइल पे हॉटस्पॉट में पासवर्ड सेट कर देते और कोई दूसरा उनसे वाईफाई कनेक्शन लेते तब पासवर्ड की वजह से कनेक्शन नहीं हो पाते। जब वो बंदा पासवर्ड ऑफ कर देगा तब रिकनेक्ट करने के बाद कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का इशू रहते हैं, तो आप भी ये प्रोसेस को ज़रूर ट्राई करके देखें, अगर नहीं होते सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम को फिक्स्ड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।